नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जेनेग्रा टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, जेनेग्रा टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और जेनेग्रा टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि जेनेग्रा टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और यह भी जानेंगे कि जेनेग्रा टैबलेट का असर कितनी देर में शुरू होता है और कितनी देर तक जेनेग्रा टैबलेट का असर रहता है। जेनेग्रा टैबलेट का उपयोग पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने पर किया जाता है, यानी पुरुषों के लिंग में इरेक्शन को उत्तेजित करने के लिए जेनेग्रा टैबलेट का उपयोग किया जाता है। जेनेग्रा टैबलेट पुरुषों के लिंग में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से पुरुषों के लिंग में इरेक्शन होता है। लिंग के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने के कारण लिंग के अंदर स्ट्रॉन्ग इरेक्शन होता है और लंबे समय तक रहता है, जिसकी वजह से पुरुषों की सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। इसके अलावा जेनेग्रा टैबलेट का उपयोग पल्मोनरी हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। जेनेग्रा एक ब्रांड नेम है। जेनेग्रा टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन सिल्डेनाफिल होता है। जेनेग्रा टैबलेट 25 mg, 50 mg और 100 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में जेनेग्रा टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में जेनेग्रा टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिरदर्द होना, कमर में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, चक्कर आना, बदहजमी, उल्टी आने का मन होना, त्वचा पर रैशेस होना, त्वचा का लाल होना और आँखों में धुंधलापन हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जेनेग्रा टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। जेनेग्रा टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। यदि आप जेनेग्रा टैबलेट को रात के समय लेना चाहते हैं, तो आपको शाम के समय हल्का भोजन करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा फैटी और हैवी भोजन करने से जेनेग्रा टैबलेट का पेट के अंदर अवशोषण धीमा हो सकता है, जिसकी वजह से जेनेग्रा टैबलेट का असर आने में अधिक समय लग सकता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर जेनेग्रा 50 mg टैबलेट को दिन में एक बार और सेक्सुअल एक्टिविटी करने से एक घंटे पहले लेने की सलाह देते हैं। जो व्यक्ति पहली बार जेनेग्रा टैबलेट को लेने जा रहे हैं, उन व्यक्तियों के लिए शुरुआत में 25 mg जेनेग्रा टैबलेट को लेना रिकमेंडेड होता है। अगर जेनेग्रा टैबलेट से संतोषजनक परिणाम नहीं मिलता है, तो जेनेग्रा टैबलेट की डोज को 100 mg तक बढ़ाया जा सकता है और 25 mg तक घटाया जा सकता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए डॉक्टर जेनेग्रा 20 mg टैबलेट को दिन में 3 बार लेने की सलाह दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। जेनेग्रा टैबलेट को लेने के बाद जेनेग्रा टैबलेट का असर दिखने में 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक का समय लग सकता है और मैक्सिमम 2 घंटे का समय लग सकता है, लेकिन ज्यादातर व्यक्तियों में जेनेग्रा टैबलेट का असर 30 मिनट से लेकर 60 मिनट के अंदर दिखना शुरू हो जाता है। ज्यादातर व्यक्तियों में जेनेग्रा टैबलेट का असर 2 घंटे से लेकर 3 घंटे तक रहता है और मैक्सिमम असर 5 घंटे तक रह सकता है, लेकिन दवा की डोज, शरीर के मेटाबॉलिज्म और अन्य एक्सटर्नल फैक्टर्स के आधार पर जेनेग्रा टैबलेट का असर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति जेनेग्रा टैबलेट की ज्यादा डोज लेता है, तो इसकी वजह से जेनेग्रा टैबलेट का असर ज्यादा समय के लिए भी रह सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जेनेग्रा टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के लिंग में 5 घंटे से अधिक समय तक इरेक्शन रहता है या इरेक्शन के दौरान लिंग के अंदर दर्द रहता है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि अधिक लंबे समय तक लिंग के अंदर इरेक्शन रहने की वजह से पेनाइल टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से लिंग में इरेक्शन का परमानेंट लॉस हो सकता है। जिन व्यक्तियों को दिल से संबंधित कोई बीमारी है या जो व्यक्ति दिल से संबंधित बीमारी की कोई दवाई लेते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को जेनेग्रा टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। यदि जेनेग्रा टैबलेट की एक डोज लेने के बाद आपके लिंग में इरेक्शन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको दूसरी डोज नहीं लेनी चाहिए,
और ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। यदि आप एक बार सेक्स कर लेते हैं और आपका सीमन भी निकल जाता है, ऐसी स्थिति में यदि आप दोबारा सेक्स करने के लिए जेनेग्रा टैबलेट को लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में जेनेग्रा टैबलेट काम नहीं करेगी और जेनेग्रा टैबलेट को लेने के बाद शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। पल्मोनरी हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए डॉक्टर महिलाओं को भी जेनेग्रा टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं, लेकिन महिलाओं में सेक्स की उत्तेजना को बढ़ाने के लिए जेनेग्रा टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। जेनेग्रा टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए जेनेग्रा टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित है। इसलिए डॉक्टर जरूरत पड़ने पर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को जेनेग्रा टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे चिंता व तनाव, डिप्रेशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर अधिक होना, कैंसर, नशीली दवाओं का सेवन करना, शराब का अधिक सेवन करना, धूम्रपान और हार्ट से संबंधित बीमारियां होने की वजह से पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इसलिए पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने के लिए पहले कारण का पता लगाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन को बेहतर तरीके से ठीक करने के लिए आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और अपनी मर्जी से जेनेग्रा टैबलेट को लेना शुरू नहीं करना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका जेनेग्रा टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।